आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा, जापान कंट्री जो है वो कितनी ज़्यादा एडवांस कंट्री है। वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की ट्रेन्स, वहाँ की हर चीज़ इतनी ज़्यादा एडवांस है कि शायद हमें किसी और कंट्री में ये सब चीज़ें देखने को शायद ही मिले। जापान कंट्री जो है वो अब वर्ल्ड की सबसे एडवांस कंट्री बन चुकी है, क्योंकि वो अपने समय से बहुत आगे चल रही है। वहाँ के गैजेट इतने ज़्यादा एडवांस है कि किसी और कंट्री में नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप लोग जानना चाहते हैं आज से करीबन 25 से 30 साल बाद फ्यूचर में हमारा देश जो है वो कैसा दिखेगा, तो आपको जापान ज़रूर जाना चाहिए। जापान कंट्री जो है वो इतनी ज़्यादा एडवांस है, आज मैं उसी कंट्री के बारे में आपको कुछ ऐसे बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने आज से पहले सुनी हो। तो चलो और ना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 20, क्या आप लोगों को पता है जापान जो कंट्री है वो 6852 आइसलैंड्स को मिलाकर एक बड़ा आइसलैंड बनता है। और जापान में चार सबसे बड़े राज्य हैं जो कि 97% हिस्सा जापान का वो चार राज्य घेर लेते हैं। उन राज्यों के नाम हैं होन्सू, होकाइडो, क्यूशू, शिकोकू। फैक्ट नंबर 19, क्या आप लोगों को पता है जापान का जापानीज में नेम क्या है? अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, जापान का जापानीज में नेम निहोनजी है, जिसका मतलब हिंदी में होता है सूर्य उदय। फैक्ट नंबर 18, क्या आप लोगों को पता है जापान के अंदर हर साल 1500 से भी ज़्यादा भूकंप आते हैं। फैक्ट नंबर 17, क्या आप लोगों को पता है जापान एक क्राइम फ्री कंट्री है, वहाँ पर क्राइम बहुत ही कम होता है, बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पर लोग हाथ में मोबाइल पर्स लेकर कहीं पे भी घूमते हैं, मेट्रो के अंदर सो भी जाते हैं अपने मोबाइल और पर्स के साथ, फिर भी उनका पर्स मोबाइल कुछ भी चोरी नहीं होता, क्योंकि जापान एक क्राइम फ्री कंट्री है, वहाँ पर चोरी बहुत नहीं होती है। फैक्ट नंबर 16, क्या आप लोगों को पता है जापान में सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीन है? जापान के अंदर 5 मिलियन से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीन है। इतनी सारी वेंडिंग मशीन होने की वजह से जापान के लोगों को सामान खरीदने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता या दूर नहीं जाना पड़ता। और तो और वेंडिंग मशीन के अंदर वहाँ पर फ्रूट्स, फल, मिल्क के साथ साथ अगर कोई ऑफिस जाते में अपनी टाई भूल जाता है तो वो वेंडिंग मशीन से टाई भी खरीद सकता है। मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें वेंडिंग मशीन के अंदर अवेलेबल होती हैं, लेकिन सिर्फ जापान के अंदर। फैक्ट नंबर 15, क्या आप लोगों को पता है जापान के अंदर कई सारे स्टोर ऐसे भी हैं जो कि 24 आवर खुले रहते हैं, वो कभी बंद नहीं होते। सुबह से लेकर शाम तक मालिक दुकान के अंदर ही रहता है, लेकिन उसके बाद रात को वो अपने घर जाकर आराम से सोता है। जैसे किसी को रात को इमरजेंसी में कुछ खरीदना है तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा ईमानदार हैं कि वो 24 आवर खुले रहने वाले स्टोर में जाते हैं और चीज़ बाय करते हैं और उसके पैसे भी वहीं पर रखे जाते हैं, और उन शॉपों में कोई चोरी नहीं होती है क्योंकि जापान क्राइम फ्री कंट्री है। फैक्ट नंबर 14, क्या आप लोगों को पता है जापान के अंदर जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो अपने क्लासरूम खुद ही साफ़ करते हैं। ये वहाँ का रूल है कि बच्चे जो पढ़ेंगे वो अपने क्लासरूम और अपना टॉयलेट जो है वो साफ़ करेंगे, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है। और जापान के अंदर शुरू से ही बच्चों को साफ़ सफाई रखना बहुत सिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 14, क्या आप लोगों को पता है जापान के अंदर काम करते करते झपकी लेना मना नहीं है। अगर आप ऑफिस में काम करते हो, अगर आपको नींद आ गई तो आप छोटी सी झपकी ले लोगे तो आप, अगर आपका बॉस आपको सोते हुए देख लेता है तब भी वो आपको उठाएगा नहीं, वो सोने देगा, क्योंकि वहाँ पर झपकी ले सकते हैं हम काम के बीच। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो दिन भर मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें नींद आ जाती है तो फिर उन्हें कोई उठाता भी नहीं है। और जापान के लोग सोने में इतने ज़्यादा माहिर होते हैं कि वो मेट्रो में खड़े खड़े भी सो जाते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप लोगों को पता है जापान के अंदर 200 से भी ज़्यादा किटकैट के फ्लेवर्स आते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप लोग जानते हैं कि जापान के अंदर जब भी घर में कोई आता है तो वो हमेशा स्लीपर वो उतार कर ही अंदर आता है, वो वहाँ का रूल है, कोई भी स्लीपर पहनकर घर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। ये वहाँ का एक बहुत स्ट्रिक्ट नियम है कि कोई भी चप्पल पहनकर घर के अंदर नहीं आ सकता। वैसे ये नियम तो भारत में भी है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप लोगों को पता है जापान के लोगों को सफाई से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वो हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं और वहाँ पर रोडों पर भी आपको बिल्कुल गंदगी नहीं दिखेगी। वहाँ के रोड गटर भी इतने साफ़ होते हैं कि मैंने आपको एक बार फैक्ट में बताया था कि वहाँ पर नालियों के अंदर मछलियाँ तैरती हैं, इतना साफ पानी बहता है। फैक्ट नंबर 9, जापान की जो ट्रेन्स होती हैं, जो ट्रेन वो इतनी ज़्यादा फास्ट होती हैं कि वो हमेशा अपने स्टेशन पर टाइम पर ही आती हैं, वो कभी लेट नहीं होती। वो इतने एक्यूरेट टाइम पर चलती हैं कि आप ट्रेन को देखकर अपनी घड़ी का टाइम भी मिला सकते हो। फैक्ट नंबर 8, क्या आप लोगों को पता है जापान की ट्रेनों में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पर स्टेशन पर
पुशर्स रखे जाते हैं उन लोगों को धक्का देकर अंदर करने के लिए, और वो पुशर्स काफ़ी हट्टे कट्टे भी रखे जाते हैं ताकि वो उन्हें अंदर कर सके, और इसके लिए उन्हें काफ़ी अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। फैक्ट नंबर 7, जब आप लोग जापान जाएं तो ये देखकर बिल्कुल चौंकना मत कि अभी तो धूप हो रही थी, अब बादल कहाँ से आ गए, अब बारिश कैसे होने लगी। वहाँ का मौसम टाइम टाइम पर चेंज होने लगता है अचानक ही, वहाँ का ऐसा ही एनवायरनमेंट है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप लोगों को पता है जापान के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जीते हैं कंपेयर देन एनी अदर कंट्री। दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र वाली महिला और पुरुष भी जापान के ही हैं। जापान की एवरेज लाइफ जो है वो 80 साल है, और ज़्यादातर लोग 80 से ज़्यादा ही जीते हैं, और 100 साल से भी ज़्यादा के लोग वहाँ पर बहुत सारे हैं। और इतनी लंबी ज़िंदगी जीने का उनका राज है ठीक टाइम पर खाना, ठीक टाइम पर सोना, और बाहर का बहुत कम खाते हैं वो लोग, और साफ़ सफाई से रहना और हमेशा सादा पानी पीना, यही राज है उनकी इतनी लंबी ज़िंदगी जीने का। फैक्ट नंबर 5, जापान के अंदर कुछ भी चीज़ पीते समय और खाना खाते समय ऐसी आवाज़ें निकालना बिल्कुल भी मना नहीं है। वहाँ पर हम जैसे मर्जी चाहें वैसे खा सकते हैं, पी सकते हैं, और वहाँ पर लोग ऐसी आवाज़ निकाल कर आराम से मज़े से बैठ कर खाते हैं, चाहे वो घर के बाहर हो चाहे अंदर। अगर कोई ऐसे आवाज़ निकाल कर नहीं खाता है तो जैपनीज लोग सामने वाला समझता है कि इसे खाना पसंद नहीं आया इसलिए आवाज़ नहीं निकाल रहा। अगर उसे खाना पसंद आया होता तो वो अपने आराम से आवाज़ निकाल कर खाता। वहाँ पर आवाज़ निकाल कर खाना बैड मैनर्स नहीं माना जाता जैसे कि और कंट्रियों में माना जाता है, इंडिया में भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, सभी कंट्रियाँ क्वर्टी कीबोर्ड यूज़ करती है, लेकिन जापान के अंदर नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें ड्रम कीबोर्ड यूज़ करा जाता है, क्योंकि ड्रम कीबोर्ड से हम ज़्यादा तेज फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं कंपेयर देन वो जो रेक्टेंगल करके कीबोर्ड होता है। हाँ, यही वाले जो ये फोटो आ रही है सामने। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोगों को पता है वर्ल्ड का सबसे शॉर्टेस्ट एस्केलेटर जापान में है, जापान के एक शहर कावासाकी के अंदर। इस एस्केलेटर के अंदर केवल 5 स्टेप हैं और इसकी लंबाई जो है वो 32.8 inches है बस, मतलब इतना छोटा एस्केलेटर बनाने की ज़रूरत क्या थी। फैक्ट नंबर 2, आप अभी अपनी स्क्रीन पे जो ये इमेज देख रहे हो जिसमें इस बड़े पेड़ को एक छोटे से पेड़ में बदल दिया है और एक गमले के अंदर है, लेकिन ये पूरा ग्रो हो चुका है। इस आर्ट को बोनसाई ट्री आर्ट कहते हैं, ये ओनली जापान के अंदर ही होती है और किसी कंट्री में नहीं। और जापान के अंदर केवल एक दो तरीके के पेड़ नहीं, ज़्यादातर हर तरीके के पेड़ों को इसी तरह छोटे मॉडल में उगाया जाता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोगों को पता है जापान के अंदर एक सुसाइड फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का नाम ओकीगारा है। जापान के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट फूजी के जस्ट नीचे वाले जंगल में ये ओकीगारा फॉरेस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जाते ही आपको एक वार्निंग बोर्ड भी लगा मिलेगा, इसके अंदर ना जाएं, ये सुसाइड फॉरेस्ट है। और इस फॉरेस्ट के अंदर जाने पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आते हैं, सब कुछ काम करना बंद कर देता है। और जिन लोगों को सुसाइड करना होता है वो ज़्यादातर लोग जापान के यहीं पर आते हैं। आज आप लोगों को इन सभी फैक्टों में से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आज ही मेरा यूट्यूब चैनल मार्वेलस फैक्ट्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।